अंदर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल, हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जलंधर होता है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर के अंदर बनाएंगे। चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, नजदीक आते ही रणनीति तैयार होने लगी है। चुनावी रणनीतियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं कई राजनेता। आम आदमी पार्टी भी उनमें से एक है जो कि पंजाब में तिरंगा यात्रा के नाम पर वोटरों को लुभाने में लगी है। आज जलंधर में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली भगवान वाल्मीकि चौक से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई, जिसमें मुख्य तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही रथ पर अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान, राघव चड्ढा और विपक्ष नेता हरपाल चीमा शामिल थे। आम आदमी पार्टी इस रैली में जलंधर की लीडरशिप समेत स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली भगवान वाल्मीकि चौक से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में जाकर समाप्त हुई। समाप्त होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं जलंधर ने भी दो गारंटी दी। पहली गारंटी जलंधर को स्पोर्ट्स हब बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जलंधर में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और दूसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जलंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि जलंधर को क्या मिल पाता है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में कितनी बहुमत मिल पाती है। क्या वो दिल्ली की तरह पंजाब में भी अपना परचम लहरा पाएंगे? क्या वो सिर्फ गारंटी न देकर पूरे पंजाब में अपने चुनावी वादे पूरे कर पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त की बात है। देखिए जलंधर से सतीश कुमार कश्यप के साथ ईशान जुनेजा की ये रिपोर्ट। अभी एक छोटी बच्ची ने, दो बच्चों ने, कोमल प्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे। उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों। छोटिया छोटिया दो बच्चिया ने अपनी जेड़ी भान कट्ठी करके जो बच्चिया नू मिलती है वो अपना पिगी बैंक भी कह देंदे नू, वो अपनी डोनेशन फॉर आम आदमी पार्टी। तो छोटे छोटे उन्होंने बच्चों के नाते, दोनों के नाते ताड़ियां, चाहे 35 रुपये हो चाहे 40 रुपये हो। जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा। अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी क्रिकेट, तो उसको जलंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जलंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जलंधर होता है। हर चीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी खेल खेला जाता है जलंधर होता है।
तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर के अंदर बनाएंगे।